यार बड़ी जोर की गिरी यार, मुड़ गया यार। गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो। नया दिन, नई शुरुआत। और आपके कल मैं इवनिंग में 7 बजे सो गया, थोड़ा अब उठा हूँ। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। दादाजी ने डंडे मार मार के उठाया आज मेरे को। टोटली इग्नोर, कोई बात नहीं, आदत सी हो गई है अब। बाकी भवन जाए, मेरे को दादा और दादी ने उठाया सुबह। यहाँ पे ना सब जल्दी उठ जाते हैं, सब 6 बजे तक तो सब छोटे भाई से लेकर सब उठ जाते हैं। मेरे को आदत है यार सुबह 11-12 बजे उठने की। यहाँ पर आ गया ना तो यहाँ पे मेरी ये आदत सही हो जाएगी सुबह जल्दी उठने की। आज क्या क्या होगा, क्या क्या करेंगे, लेट्स सी क्या होता है। मैं जा रहा हूँ थोड़ा फ्रेश होने, चलो चलते हैं। बाकी आपको थोड़ा माहौल दिखाता हूँ घर का। हेलो मैं दादी माँ, ये हरिजय मामा भाई। हेलो हेलो मान, हेलो हेलो हाजिर। हेलो अप्पा, इग्नोर। हेलो भाई, टीका लगाना ना, तभी करके नाने को बोल रहे कब से यार। चलो नहाते अब। पैसा आओ ना, मजा करे को। तो फिर मैंने नहा लिया और फ्रेश हो गया हूँ, अब बैठ रहे हैं खाना खाने। ये घी है नेपाल का, जो कि बहुत सही लगता है। हवा भी। अभी मैं दादाजी के काटने वाला हूँ बाल। ठीक है ना, मैं बाल काट रहा था तो काटते काटते उसका चार्ज ही खत्म हो गया। बताया उनसे कौन सा वहाँ। तो फैमिली, मैं आपको अब नेपाल के सबसे फेमस डिश बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ, जो कि मतलब त्यौहार में बनता है, मोस्टली दशहरा में, दिवाली में और भाई दूज में बनता है। उसको बोलते हैं सेल रोटी और फिनी। उसकी प्रिपरेशन यहाँ पर हो चुकी है। हेलो चाची जी। प्याज गल चुका है, यहाँ पे बनाएंगे दादी अम्मा। तो अभी ना ही फिनी रोटी बन रही है, ना ही सेल रोटी अभी बन रही है, ठगनी। इंग्रेडिएंट यहाँ पे तैयार हो रहा है अभी। ये केक कौन चाहिए? चावल को। डांट रहे मुझे। मैं फिर से सो गया था फैमिली, आज जस्ट उठा हूँ। अब बना रहे सेल रोटी, जो कि मेरे फेवरेट है। फेवरेट ये है, बड़े दिखने में इतने सही नहीं लग रहे। अब क्यों बनाया कोई? ये इसलिए नहीं लग रहे क्योंकि इसने बनाए थे सारे। क्लाउड चेक करो कितना सही लग रहा है यार। वाह, ये तो नहीं, बड़ी जोर की गिरी। यार मुड़ गया यार। कहाँ पे लगा, क्या लगा? यार मुड़ गया। चल के देख, चल के देख, चल के देख। मैं मुँह धो रहा था, भागता हुआ है। अब कुछ नहीं हुआ, जहाँ जोर से गिरी होती तो मैं वीडियो ना बनाता। इस भैंस को आप सबने पहचान लिया कौन है ये, इसलिए सेंटर लेकर आए थे। बताओ, चार उंगलियां जा रही हैं बस। हेलो हेलो कर दो। हेलो हाय, हेलो भाई साहब। ये व्यू चेक करो कितना सही लग रहा है। यहाँ पे वीडियोस ना बड़े सही बनेंगे, कल बनाएंगे वीडियो। यहाँ पे कुर्ते पजामा पहन के बाल कटवाने जा रहा हूँ अभी। लेट्स गो। बाल कटाने आए थे तो मम्मी बाहर आए हुए थे, तो मैं कहा मम्मी के पास जाके खड़ जाता हूँ। कैसा लग रहा फिर नेपाल आके? मम्मी ने दिया है पैसा पापा को देने के लिए। इतना रश है यहाँ पे। तो मेरी बारी आ गई, अब चलो कटाते हैं। तो मैंने समझा दिया कैसे कैसे करना है। फैमिली हो गया है रेडी, तो अभी हम आए थे मिठाई लेने यहाँ पे। तो फैमिली 3 किलो मिठाई ले हैं, तो 3 किलो आप मानोगे नहीं कितने का होएगा। 3 किलो मिठाई 3000 के यार, बहुत महंगा यार यहाँ पे, बहुत ज्यादा। ये है नेपाल का केले, एक होता अच्छा, एक होता बहुत अच्छा, एक होता है हद से, एक होता हद से ज्यादा। राजू ना कह रहा, बार बार अपने दोस्तों को बता रहा है। दोस्त आए ना, मैं वीडियो के वीडियो तो अभी खा कर जाता हूँ आपको। कैसे खोल रही है मुखी देख मैं खा ना खैर अब मैं तो लाया बहुत मीठ हुआ है पार ये क्या हमने। ये है सोन पापड़ी, बहुत टेस्टी है यार। सोन पापड़ी और पतीसा में क्या फर्क है? बात
क्या बोल रही है प्यास कहीं की क्या तो मैं बैठा है लगता पता नहीं घर के अंदर कोई बोल रहा है जब इधर आते पूरा सुनसान होता है दिमाग सही है मैथ मोटा चले कल दशहरा है सबसे बड़ा त्यौहार होता है हमारे यहाँ पे स्पेशल हम उसके लिए आए हैं यहाँ पे नेपाल तो कल हम एंजॉय करेंगे कल अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनेंगे वीडियोस बनेंगे गुड मॉर्निंग फैमिली कैसे हो आप सब आई होप सब अच्छे होने दिन शुरुआत और आपके साथ सो फैमिली हैप्पी दशहरा आज है यहाँ पे दशहरा जैसे यहाँ पे दशहरा बोलते हैं और इंडिया में दशहरा बोलते हैं तो आज दशहरा हमारा बहुत बड़ा त्यौहार जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया बड़े लोग हमें छोटों को टीका लगाते हैं पूरा भर भर के लाल वाला और पैसे देते हैं और कमाई भी होती है आज के दिन लेकिन लड़कियों की ज़्यादा कमाई होती है तो अब चलते हैं मॉर्निंग का भी बज रहे हैं 8:30 गुड मॉर्निंग मम्मा नानू हाउस से आए निकल एक ही पढ़ाई देना पापा ला यस बड़े अपा दर्शन तो फैमिली मैं अभी जा रहा हूँ छत में थोड़े बहुत एक्सरसाइज करने एक्सेस कर लिया और यहाँ का आप नज़ारा चेक करो यार कितना सही लग रहा है यार तो यहाँ पे चल रही है तैयारियाँ खाना बनाने की पापा इधर बना रहे खाना चिकन चिकन नहीं मैं अभी होने जा रहा हूँ रेडी देखो कैसे रेडी होता हूँ मैं थोड़ा सा ऐसे रखना पड़ेगा 3, 2, 1 गो तो फैमिली हम हो गए हैं रेडी दशहरे के लिए चलो कैसे लग रहे मेरा पता नहीं मैं अच्छा लग रहा हूँ बाल मेरे सेट नहीं हो रहे चलो आपको अब दिखाते हैं अपना दशहरा यहाँ पे टीका लगाने लगे हैं सब और बारिश हो रही है यहाँ पे चलो चलिए तो हमारे बड़े भैया आप आ रहे हैं तो टीका ऐसे लगाते हैं हमारे में सबसे पहले बड़े बेटे लगा रहे हैं तो दादा दादी ने बेटे को लगाया तो अब उसे बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों को लगा रहे हैं खाना खाने का टाइम बहुत ज्यादा भूख लगी सुबह से कुछ नहीं खाया ओके मिलते थोड़ी देर में आप फैमिली अभी फोटो सेशन हो रहा है यहाँ पे हमारा मतलब ऐसे ही फोटो सेशन होता है हमेशा जब भी हम कोई फेस्टिवल होता है हमारा चलो 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 ए मेरी बाबू मेरी गोइटे ये पटना जाए ये आज की कमाई है ये सब नेपाली करेंसी है ये 20 ये 100 ये 50 ये हाँ और ये 10 ये वाला नीरु कति कमाई भयो चल यहाँ पे हो जाएगी अब कट्ठे हैं सब देने वाले तो फिर देने वाले ये दोनों मौला मौलाई मामले थैंक यू
सो फैमिली अभी टाइम हो रहा है, मोटो मेरे घड़ी ले आई वो मेरे साइड बैग में देखना। फैमिली अभी टाइम हो रहा है नियर अबाउट दोपहर के 4, शाम के 4 लगा सकते। अभी हम जा रहे हैं नानी हाउस, बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी तो हम नहीं जा सके, तो अब जा रहे हैं। काफी लेट हो गए, हम जिस हिसाब से मैंने वीडियोस बनाए थे उस हिसाब से बने नहीं, बारिश ने सब ऐसे तैसे कर दिया। जब पैसे मिलते तभी बैठता है ये। दिस साइड मामू एंड दिस साइड माय अनदर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर सानी मा दोस्त आ रही मेरी यार खत्म हो गए थे ना। बड़े मामा कहते हैं कि मेरे निदारा के पास हाथ लेके जाओ, वहीं से उठा के वही लगा दो। मैं पढ़ देना के यार भो यार पढ़ देना के। अरे नाना जी हमारा वेट कर रहे थे कि कब आएंगे और हमें कब टीका लगाकर वे खाना खाएंगे। हमारे में ऐसा होता है जो बड़े हमारे छोटे को टीका लगाते हैं ना, वो तब तक खाना नहीं खाते जब तक वो उनको टीका नहीं लगाते। तो नाना हमारे सुबह से वेट कर रहे थे, अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 बजे का। खाना देना आज के दिन जीजू ने इतना कमाया है, नीरू ने तो भाई साहब रात के 12 बजने को हो गए हैं लेकिन बारिश अभी तक हो रही है यार। गूगल पे बता रहे थे कि लगातार 4 दिन तक बारिश होगी और 2 दिन हो गए और 2 दिन तक और होती रहेगी। हम रेडी होते हैं अब। 3, 2, 1